कम से कम शरीर ढका हुआ, और दूसरी नंबर बात जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। ये कोई बात थोड़ी है सर, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीबी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति बताओगे? आपकी प्रॉब्लम है बजट पे बात करना, आपकी प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी पे बात करना। हम लोगों के पास बेरोजगारी होती है ना, तो उसका रीजन है आप, आपका समुदाय, आप लोगों की वजह से जो भी दिक्कत होती है। क्यों? मैं बता रही हूँ, ये रोहिंग्या कहाँ है सर, ये रोहिंग्या कहाँ है? इन्हीं के बीच तो बैठे हुए हैं, इन्हीं मुस्लिमों के झुंड में बैठे हुए हैं। अगर ये हमारे देश के असली नागरिक है ना, तो इनका अगर ये चाहे तो 100-1 करोड़ रोहिंग्या को ना ऐसे निकाल सकते हैं, बाहर जाओ तुम हमारे देश के नहीं हो। लेकिन ऐसा कर रहे नहीं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। CNRC आया, इनके पक्ष में उतर गए। CNRC आया, ये लोग देश जलाने पे उतर गए। ये अपने आप को देश का वासी